आ चुके हैं इंजन के पास और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंजन का ये एयर इंटेक है। हाँ, तो ये क्या है, सीधा ऊपर को रखा है। हाँ, तो पानी उछलता है या गिर जाए तो इसमें अंदर चल जाता है, इंजन सीज हो जाता है, पानी इसके अंदर ना जाए, इसलिए अपन इसका क्या फेस चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो करो चेंज कर इसको, ऐसे करना है, एयर इंटेक नीचे से भी ले सकता है। तो सही है, अपना पानी जो वाटर इससे अंदर नहीं जाए, वापस फिर कर रहे हैं अपन। ठीक है, कितना है, आधा लीटर भी नहीं होगा। ये डीजल हम इसे ये डाल डाला, ये देखो ये डाल दो, ये देखो आधा लीटर भी नहीं है, ये लगभग चलेगा आधा घंटा हमारा, आधा लीटर से आधा लीटर चलेगा लगभग। किसान का जीवन इतना ईजी नहीं है, जैसे ही हमने देखा कि आधे घंटे तक हमने इंजन चलाने का प्रयास किया और आधे घंटे के बाद हम प्रयास करने के बाद सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन हमने देखा कि पूरा पाइप जो है फूटा फूटा है कहीं कहीं जगह से। तो देखते हैं कैसा चल रहा है पाइप का सीन, इसको सही करेंगे पहले, उसके बाद फिर से इंजन चलाएंगे। चलिए जल्दी आइए, कहाँ दिक्कत आइए देखते हैं। ये पूरा पाइप हमने लगा रखा है लंबा सा वहाँ फसल के लिए। चलो वही चलते, सही करते हो, चलो वापस चलाते, लो चिंकी बंद करो। फाइनली हमने दूसरी बार इंजन चला लिया है और हमने पंचर जितने भी पाइप में पंचर थे सारे के सारे रबड़ से बांध के सही कर दिए और अब हम रेडी हो चुके हैं हमारे टमाटर और सब बनाने के लिए। और ये जो तालाब देख रहे हैं कुआर तालाब, ये बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, इसका नाम रबड़ रखा गया है यहाँ पर भी, इसी से ही हम हमारी सब्जियों की जो फसल है वो इसी से ही कम्प्लीट करेंगे। हमारे इंजन चलाने का काम हो गया है, अब चलते हैं अपन। हाँ मतलब पन्नी बिछाएंगे कहीं कहीं जगह तो फूटा फटाएंगे, रबड़ लगाइए बता रहे भाई होने बात। ये हमारा है ड्रिप सिस्टम, जिसे हमें अभी जस्ट चला के चेक किया गया है कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। वहाँ है हमारा ड्रिप का मेन फिल्टर और ऑल दीज असेंबलीज, पाइप असेंबली लगा रखी इधर। ये था नॉर्मली फिल्टर और बाकी सभी पाइप अरेंजमेंट लगा रखा है इसमें गार के, और हाँ इधर से ही डाउन से जा रहा है, फिर कनेक्ट होने के बाद ये वॉल्व कनेक्शन है। ये देखो यहाँ पे वॉल्व कनेक्शन है बोथ साइड दोनों तरफ के लिए, और ये जैसे कि अपन देख रहे हैं कि ड्रिप जो है वर्क कर रही है अच्छे से। इसमें हम टमाटर के पौधे लगाने वाले हैं, पहले एक ब्लैक कलर की शीट बिछाएंगे इसके ऊपर, फिर उसके हिसाब से हम ये जहाँ पे पॉइंट है इसका वहाँ पे ही पौधा लगाएंगे टमाटर का। ब्लैक शीट इसलिए लगाएंगे क्योंकि कुछ कचरा होता है अनवांटेड, हमको कचरा नहीं चाहिए, इसलिए हम सिर्फ ब्लैक कलर की शीट लगाएंगे, उसमें इतना सा होल रहेगा सिर्फ, ये जो पौधा है वही निकल के आएगा, बाकी जानकारी हम बताते हैं आपको इसके बाद। तो गाइज हमने सारी ब्लैक शीट्स इस पर बिछा दी है, ड्रिप सिस्टम रेडी हो चुका है, हमने पौधे लगा दिए टमाटर के और हम वेट करेंगे इसका एक 2 महीने का, उसके बाद हमें फसल मिल जाएगी। और एक्चुअली हम इसमें बहुत टाइम से, पूरा दिन लग गया हमें इसे ये करते करते, लेकिन फाइनली हमने ये पूरा कर दिया है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक एंड शेयर जरूर जरूर करें।